तो इस सेशन में हम पढ़ेंगे जानेंगे कि किस तरीके से जो है आप रीमार्केटिंग लिस्ट ऑफ सर्च एड्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। हम देखेंगे कि रीमार्केटिंग लिस्ट ऑफ सर्च एड्स होते क्या हैं और किस तरीके से इसका आप अपनी वेबसाइट पर जो है वो कोड सेटअप कर सकते हैं, किस तरीके से आप जो है वो डिफरेंट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं रीमार्केटिंग के लिए, और किस तरीके से जो है आप कैंपेन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए देखें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रीमार्केटिंग होती क्या है। रीमार्केटिंग का पर्पस यही होता है कि जो भी बंदे आपकी वेबसाइट पर पास्ट में आ चुके हैं उनको आप दोबारा से जो है एड्स दिखाएं। अब वो किसी स्पेसिफिक पेज पर आए हों या किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पर आए हों या किसी स्पेसिफिक कैटेगरी पर आए हों या आप ओवरऑल किसी भी जो है जो भी विजिटर आपकी वेबसाइट पर आया हो उसको आप जो है दोबारा से जो है नया एड्स दिखाना चाहें, इसको हम रीमार्केटिंग, इस टेक्निक को हम रीमार्केटिंग कहते हैं। अभी क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि रीमार्केटिंग लिस्ट ऑफ फॉर सर्च एड्स होता क्या, इसको हम RLSA भी कहते हैं, यानी इंटरव्यूज में अगर आप लोग जाते हैं और अगर आप लोग के इंटरव्यूज होते हैं तो उसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि RLSA क्या होता है। तो इसका सिंपल आंसर है कि रीमार्केटिंग लिस्ट ऑफ सर्च एड्स को जो है RLSA कहा जाता है। ये बेसिकली एक एडवांस फीचर है सर्च एड्स कैंपेन्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपको अलाउ करेगा कि आप अपनी कैंपेन सिर्फ उन लोगों को दिखाएं जो जो लोग जो विजिटर आपकी वेबसाइट पर जो है वो पहले आ चुके हैं। यानी अगर कोई बंदा जो है वो लेट सपोज के आपकी कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में जो है वो डील करता है, लेडीज़ प्रोडक्ट्स में भी डील्स करता है, लेडीज़ क्लोथिंग में भी डील करता है, मेंस क्लोथिंग में भी डील करता है। तो अब आप ये चाहते हैं कि यार मैं उन लोगों को अपने मेंस के एड्स दिखाऊं गूगल पर जो ऑलरेडी मेरे पेज को जो मेरे ऑलरेडी मेंस के पेजेस को जो है वो विजिट कर चुके हैं। तो आप रीमार्केटिंग लिस्ट ऑफ सर्च एड से उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जिन लोगों ने आपकी वेबसाइट के मेंस के सेक्शन को जो है वो व्यू किया है पास्ट में। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से जो है आप कोड सेटअप करते हैं और किस तरीके से जो है आप अपनी डिफरेंट पेजेस की जो है वो लिस्ट, रीमार्केटिंग लिस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।